20 साल से आपने मुझे देखा है, आजमाया है हर मौके पर, हर महल पर, हर अच्छे बुरे वक्त पर। चैलेंज के साथ मेरा दावा है कि इस इलाके का एक एक काम जो भी हुआ होगा तामीर और तरक्की के लिए आपके छोटे भाई ने किया है, और कोई करने के लिए नहीं आया, और कोई नहीं आया है। लेकिन आज की सियासत, आज के हालात आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुंबई में, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। 2014 के पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम से कैसे कैसे वादे किए थे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई मिटाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, रोजी रोजगार लोगों के अच्छे मौके मिलेंगे, यही सारी बातें, यही सारा वादा किया था कि नहीं किया था। आप बताइए 5 साल के अंदर इस सरकार ने क्या किया है। 3,000 से ज्यादा छोटी मोटी कंपनियां बंद हो गई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हर माँ बाप अपना पेट पाल के अपने बच्चों को आला तालीम देता है, उच्च शिक्षा देता है कि मेरा बच्चा कोई डिग्री हासिल कर लेगा, और डिग्री हासिल करने के बाद कोई अच्छी नौकरी में लगेगा, और घर के काम में भी वो हाथ बटाएगा और अपने भी पैर पे वो खड़ा होगा। ये सोच के अपना पेट काट के अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, उस लायक बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। लेकिन आज का हमारा नौजवान गरीबी की हालत में, माँ बाप की परेशानी की हालत में रात दिन एक करके मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, डिग्रियां लेता है, और डिग्री लेके जब बाहर निकलता है तो डिग्री लेके गली गली उसको भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। शिवसेना बीजेपी के नेता कहते हैं पकौड़ा बेचना चाहिए, पकौड़ा भी बेचना एक धंधा है। अमित शाह जी याद रखिए, जज्बात की रो में बहा के हिंदुस्तान की आवाम का वोट ले लिया है तुमने। अब हिंदुस्तान का नौजवान उबल पड़ा है, उबल रहा है। पकौड़ा हमारा नौजवान नहीं बेचेगा, बल्कि तुम जैसे नेताओं को पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर करेगा। इस मुल्क में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, मुंबई हमारे मुल्क की आर्थिक राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा। इस मुंबई जैसे शहर में हिंदुस्तान का हर कोने का आदमी एक ख्वाब लेके आता है, चाहे महाराष्ट्र के हमारे उस्मानाबाद का हो, बीड का हो, विदर्भ का हो, औरंगाबाद का हो, मराठवाड़े का हो, कोकण का हो, चाहे यूपी, बिहार, बंगाल का हो, गुजरात का हो, एक ख्वाब लेके आता है आंखों में सजाए हुए कि मुंबई शहर पैसे वालों का शहर है, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, इस शहर में जाएंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, जो पैसा कमाएंगे कमा के अपने बच्चों का पेट पालेंगे, ताकत बनाएंगे, जो पैसा उसमें से बचाकर अपने गांव भेजेंगे। लेकिन क्या हो रहा है 5 साल से इस मुंबई में, नए रोजी रोजगार जाने दीजिए, जो लोग रोजी रोजगार पे थे उनकी भी नौकरियां खत्म हो गई। पार्ले के अंदर ग्लूकोज बिस्किट बनाने वाली कंपनी बंद हो गई 6 महीना पहले, 10,000 लोग बेरोजगार हुए। जेट कंपनी जो इस मुल्क की, इस देश की सबसे पहली एयरलाइन थी, 1 घंटे में ग्राउंड पे आ गई, कंपनी बंद हो गई, कई हजार लोग बेकार हो गए। एयरटेल कंपनी पूरी की पूरी बंद हो गई, सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब कंपनियां तो जाने दीजिए भैया, बैंक करप्ट हो गया, बैंक का भ्रष्टाचार हो गया, बैंक बंद हो गया है। पीएमसी बैंक, थोड़े ही दिन पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का दिवाला निकल गया है, बैंक बंद हो गया है। 16.5 लाख खाता धारक है उसमें, 64 लाख मेंबर है, सारे के सारे लोग बैंक के बाहर रो रहे थे, बिलक रहे थे। कोई एक मैंने देखा टेलीविजन पे चैनल पे एक इंटरव्यू दे रही थी, 60 साल की बूढ़ी औरत, वो कह रही थी कि मुझे हाथ का ऑपरेशन कराना है, मैं पैसे निकालने आई हूँ, मुझे कल डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पैसा जमा करना है। किसी के बच्चे की शादी का दिन रख दिया था, शादी के लिए पैसा लेने के लिए लोग खड़े थे, कई 2 से 3 से ज्यादा लोग उस सदमे में मर गए बैंक के बाहर। निकम्मी सरकार क्या कर रही है,
भारत की सरकार क्या कर रही है, दाढ़ी वाले बाबा जी क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया का खाली दौरा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में खुदकुशी कर रहे हैं लोग, एक जवान बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक जवान मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये मुल्क हम सबका है, इस मुल्क से मोहब्बत हम सबको है, इस मुल्क की आजादी की तहरीक से लेकर दुनिया के नक्शे पे तरक्की की राह ले जाने के लिए हम सबका बराबर का खून और पसीना मिला है। अगर इस मुल्क का, इस देश का जरा भी नुकसान होगा तो दिल हमारा भी धड़केगा, और इस मुल्क को हम बर्बाद नहीं होने देना चाहते, इस मुल्क की सालियत को हम तबाह नहीं होने देना चाहते, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को हम बर्बाद नहीं होने देना चाहते, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताना और बाना को कमजोर नहीं होने देना चाहते। इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ने की शुरुआत 21 तारीख से करना है। ये मैं आप सबसे कहने आया हूँ, हमने 4 दिन पहले अपना मैनोफेस्टो महाराष्ट्र में जारी किया है, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी ने। हमने मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम से वादा किया है कि हमारी सरकार आई तो हर गरीब झोपड़पट्टी चाली में रहने वाले लोगों को अपो में 300 फुट का घर नहीं बल्कि 500 फुट का कारपेट का बांध जाना हक के साथ हम घर देंगे। ये हम लोगों ने फैसला किया है, और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया है, ये भी महाराष्ट्र के नौजवानों से वादा किया है कि भले ही सरकारों ने तुमको बेरोजगार कर दिया है, हमारी सरकार आएगी जब तक आपको रोजी रोजगार नौकरी नहीं मिलती तब तक आपको 5,000 रुपया महाना बेकारी भत्ता के नाम पर आपको दिया जाए, ताकि हमारा नौजवान उसका हौसला पस्त ना हो सके, कमजोर हो ना सके, वो भी अपनी माँ बाप के साथ अपने खानदान के साथ मजबूती से खड़ा हो सके, उसका हौसला बुलंद हो सके। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप सब जली मली का इलाका, मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरा घर है, और घर के लोगों से वोट नहीं मांगा जाता, घर के लोगों से वोट नहीं मांगा जाता, घर के लोगों से दुआएं मांगी जाती है, दुआएं मांगी जाती है। आपका ये छोटा भाई आपसे दुआ की अपील करने आया है, कितनी मजबूती के साथ 21 तारीख को घर से निकलिए। ये वायर को देख रहे हम लोग यहीं बैठते हैं, चाय की दुकान पे, नाके पे, कबाब की दुकान पे, वड़े पाव की दुकान पे, बोलते हैं नसीम भाई अंगार है बाकी सब अंगार, नारा लगाते हैं, अरे यार नसीम भाई लाखों से जीत रहा है, जमाना जब्त करा रहा है, हम लोग बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, लेकिन बात से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच फिर का परस्त ताकतों की नाक में नकेल डालने का काम किया जाए, और जितने खड़े हैं उनकी जमानत जब्त कराया जाए, तो 21 तारीख को एक एक बुजुर्ग, एक एक हमारी खवातीन माँ और बहनें, एक एक नौजवान समुंदर के सैलाब की तरह घर से बाहर निकले और पोलिंग सेंटर पर लाइन लगाए और सारे लोगों की जमानत जब्त करने का काम करे, ताकि 24 तारीख